नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आगाज, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने नामों पर किया मंथन, 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की सूची हो सकती है जारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देवभूमि आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रबंधन की बैठक में होंगे शामिल, क्लस्टर और प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा हमारी आवाज को दबाया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और बाघ का लगातार बढ़ रहा आतंक, बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने की सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग, कहा पहाड़ी क्षेत्रों में जनता का जीवन हुआ आतंकमय। उत्तराखंड में 4 मार्च तक कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश की संभावना। रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। उत्तरकाशी में वन तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कांजल की लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 246 कांजल काट की लकड़ी के गुटके किए बरामद। चंपावत में पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान, तनकपुर और बनबसा में पकड़ी गई बिजली चोरी, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खटीमा में जंगली जानवरों का आतंक, भालू ने युवक पर किया हमला, अस्पताल में कराया भर्ती। रुड़की में युवती के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंपावत में खोला गया 3रा फायर स्टेशन, आग लगने पर हो सकेगी जल्दी कार्रवाई, जानमाल के नुकसान में होगी कमी। उत्तरकाशी पुलिस की नई मुहिम, बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए चलाया ऑपरेशन मुक्ति अभियान, योजना पर चर्चा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ गोष्ठी का आयोजन। शिक्षा में फुलभट्टा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 12 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 13 मोबाइल फोन किए बरामद। प्रकाशनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल, घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज। रुद्रपुर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक, 2 लोगों की मौके पर मौत, जांच में जुटी पुलिस। पैथोलॉजी लैब नोवस पर मुकदमा दर्ज, एंटीजन टेस्ट में फर्जीवाड़े का है आरोप, ईडी ने मारा था लैब पर छापा। खटीमा में सड़कों की दुर्दशा से बढ़ रही दुर्घटनाओं की संभावनाएं, मेलाघाट मार्ग और खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समाज कल्याण विभाग में चयनित 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों और 3 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य सरकार के निरंतर सरकारी रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां करवाई जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी निरंतर चल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारतीय सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में सीएम धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93वें नंबर पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाकर विशेष पहचान मिली है। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके, जिसे विधानसभा के पटल पर खिलाड़ियों के हित में पास किया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय
पदक विजेताओं को 5400 ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी, जिसको विधानसभा के पटल पर हरी झंडी मिल गई है। देखिए, अपने आप में खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय, जो कि खिलाड़ियों को 4% का क्षतिज आरक्षण देता है, यह बहुत ही लंबे समय से खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा प्रत्याशित रूप से वे इसका इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में, सहयोग के साथ में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ और टेबल होने के साथ ही कल उसका पारण हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ चुके हैं। साथ ही साथ वॉर रूम बनाकर कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रही है। वहीं अब कांग्रेस का चुनाव को लेकर बैठक का दौर लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्क्रीन कमेटी की बैठक आयोजित की जानी है। बैठक के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करना बंद कर प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। देखिए, चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और हमारे यहाँ कल स्क्रीनिंग की बैठक है, उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर पहुंचेगी और जिन लोगों को भी पार्टी चुनाव देगी, सब पूरा संगठन मिलजुल कर जोर शोर से चुनाव। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और बाघ के बढ़ते आतंक को लेकर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार को इस गंभीर विषय पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि गुलदारों और बाघों के बढ़ते आतंक से पहाड़ी क्षेत्रों में जनता का जीवन आतंकमय हो गया है और उससे तभी निजात मिल पाएगी जब सरकार सदन में इससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेगी। इसमें पूरा उत्तराखंड लगभग 67% जो है हम वनाच्छेदित हमारा क्षेत्र है, लेकिन इसके वन के संरक्षण का आज हमें बड़ा अभिशाप की भांति हमको रहना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि एक दिन का विशेष सत्र जो है उत्तराखंड के जो वन अधिनियम है, जिसके कारण हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं और साथ साथ जो हम निवाला हमारा जनमानस बन रहा है उसके उसकी समीक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं और उसका प्रदेश में जो आक्रोशित जनता है उनके उद्गार को करने, उनको उद्गार को प्रकट करने के लिए हमने निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र का जो है यहाँ विधानसभा में होना चाहिए। राजधानी देहरादून के पौश इलाके रेसकोर्स इलाके के एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में एक नाबालिग का शव मिला, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये युवती यहां एक घर में केयरटेकर का काम करती थी। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर बीजेपी नेता विनोद चमोली सहित कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कई अन्य नेताओं ने घटना पर दुख जताया है। एक नाबालिग गरीब परिवार की बेटी बच्ची के साथ जो यहां पर काम कर रही थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है और उसके परिवार के लोगों को जानकारी बहुत समय बाद दी जाती है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। और मेरा मानना है कि इसके निष्पक्ष रिपोर्ट आनी चाहिए, जांच का विषय है और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि उसकी हत्या हुई है या उसने सुसाइड किया है या उसके साथ और भी कुछ हुआ है, ये तस्वीर साफ होनी चाहिए। गरीब परिवार है लेकिन उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बड़ा दुखद है और एक बड़ा अपराध घटित हुआ है। अभी हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं तो प्राइम एफिसी मैंने ये कहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत हो जाए कि जिन लोगों ने एक बाल श्रमिक के रूप में उसको घर में रखा, ये भी एक अपराध है।
और उसके बाद क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा तो बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वो मर्डर है या आत्महत्या है। लेकिन मेरा ये कहना, अगर वो आत्महत्या भी है तो किन कारणों से उसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके कारणों पर जाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जिसने भी अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि बच्ची उस घर में काम करती थी, नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है, यही बड़ा गलत हो रहा था कि एक छोटे बच्चों से इस तरह से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। बताया कि वो बच्ची चली गई थी लेकिन उसे जबरदस्ती बुलवाया गया और आकर के यहाँ किस तरह से उसकी हत्या हुई और किस तरह से उसका बॉडी भी वही लोग लेकर के गए। अभी जाँच का विषय है लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, राजधानी में सत्राहुत होते हुए और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी आती हैं उनके सामने जिस तरह से रिलायंस ज्वेलरी में लूट होती है, डकैती पड़ती है, उसी तरह से अब ये इतनी बड़ी घटना होती है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, तमाम बड़े बड़े वादे और दावे सरकार करती है तो सरकार के दावों की पोल खुल रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निश्चित रूप से इस घटना की जाँच होगी और जाँच में जो भी दोषी है उस नालायक को बड़ी से बड़ी सजा उसे कानून के दायरे में रहकर मिलेगी। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा में शामिल 5 उपद्रवी पत्थरबाज बुरकाधारी महिलाओं को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साक्ष्य संकलन कर हिंसक घटना में संलिप्त 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इन महिलाओं पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान पुलिस पर पथराव, नगर निगम की टीम और मीडिया कर्मियों पर पथराव करने का आरोप है। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में अब तक कुल 5 महिलाओं सहित 89 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, वनपुलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 एफआईआर लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर उद्धार करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5ों महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस पार्टी को पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी उन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5ों महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद में विरोध मार्च निकालकर विकास भवन और जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि हरिद्वार में फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान बने लोगों की जाँच की फाइल को दबाया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों की शह पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि जल्द ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता भूख हड़ताल करेंगे। ग्राम प्रधान की फर्जी मार्कशीट प्रमाणित हो गई, हमारे उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा उसकी जांच की गई, सीडीओ साहब द्वारा जांच कराई गई और उपजिलाधिकारी को दिवाली के दूसरे तीसरे दिन उन्होंने पत्र दे दिया था। लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं और आज तक वो फाइल जाँच के नाम पर दबा दी गई माननीय सीडीओ साहब के यहाँ पर। उसके अलावा आप तमाम सरकारी संपत्तियों की बात करते हैं, कांग्रेस के एक विधायक द्वारा एनएच की जमीन पर दीवार खड़ी करके जमीन कब्जा दी गई, उसके बाद किसानों पर झूठे मुकदमे लिखवाने का कार्य कर रहे हैं जो निंदनीय है। यहाँ पर एक सरकारी गुल रोक दी गई, हमारे जिलाधिकारी महोदय जो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं उनके द्वारा आदेश पारित करे गए कि 3 दिन में सिंचाई विभाग की गुल खोल दी जाए, लेकिन इन अधिकारियों द्वारा उस फाइल को भी दबा दिया गया और वहाँ भूमाफियाओं का कब्जा करवाने का एक कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल इन अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। मैं कहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से ईमानदारी से, अच्छाई से, सच्चाई से, बहुत सरल सौम्य प्रकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको बदनाम करने का एक कार्य कर रहे हैं। जब तक इस प्रकार के या तो भ्रष्ट अधिकारी जो इन फाइलों को खोल के उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे या फिर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हरिद्वार से हटाएंगे। हल्द्वानी में मतदाता जागरूकता रथ को नैनीताल मुख्य विकास अधिकारी और नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर 101 वर्षीय महिला मतदाता भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बता दें कि मतदाता जागरूकता रथ में गीतों के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा।
हल्द्वानी में पुलिस ने आज से जिले में ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में आज से इसकी शुरुआत हो गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 दिन यानी 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा दिन के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। नैनीताल जिले के रामनगर महाविद्यालय में 14 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहा क्षेत्र का पहला ओपन एयर थिएटर, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। छात्र छात्राएं अब खुले में रंगमंच का मंचन कर सकेंगे। बता दें कि जनपद नैनीताल का ये पहला ओपन थिएटर बनने जा रहा है। इस महाविद्यालय में हमारे पास कोई इस तरह का स्थान नहीं था जहां पर छात्रों की छोटी सभाएं हो सके या जिनके टैलेंट को बच्चों के हम दिखा सकें। तो एक ओपन एयर थिएटर, एम्फी थिएटर इसको बोलते हैं, ये बनाने का हमने प्रस्ताव किया था। महाविद्यालय के जो रूसा वन के कुछ बचत थी हमारी, उस पैसे का उपयोग करते हुए यहाँ पर एक एम्फी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। इसे काम आज शुरू हो गया है और इस पर सीधी ये पूरा हो जाएगा। लगभग 550 छात्रों के बैठने की क्षमता इसकी रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।